पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा के पैर में चोट लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, डॉक्टर ने 10 से 15 दिन का आराम करने की सलाह दी है। चुनाव प्रचार के दौरान कुलदीप शर्मा चोटिल हुए हैं। कामी गांव में चुनाव प्रचार के लिए गए हुए थे कुलदीप शर्मा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव प्रचार के दौरान चोटिल हुए कुलदीप शर्मा। गन्नौर से इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव प्रचार के दौरान चोटिल हुए कुलदीप शर्मा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा के पैर में चोट लगी है, डॉक्टर ने 10 से 15 दिन आराम की सलाह दी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कामी गांव में चुनाव प्रचार कर रहे थे कुलदीप शर्मा, इसी दौरान वो चोटिल हो गए हैं। तो कामी गांव में चुनाव प्रचार के दौरान हुए चोटिल। गन्नौर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ लोकसभा चुनाव जो है उसको लेकर के प्रचार लगातार करते नजर आ रहे थे, और इसी दौरान पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा चोटिल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तो डॉक्टर ने 10 से 15 दिन की आराम करने की सलाह दी है। तो कामी गांव में चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा चोटिल हुए हैं। तो गन्नौर से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहाँ पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा हुए हैं चोटिल। चुनाव प्रचार के दौरान चोटिल हुए कुलदीप शर्मा। पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा के पैर में चोट लग गई है। तो सीढ़ियां उतरते वक्त कुलदीप शर्मा के पैर में ये चोट लग गई। कामी गांव में चुनाव प्रचार कर रहे थे कुलदीप शर्मा, इसी दौरान उन्हें चोट लग गई। तो देखिए, चुनाव प्रचार के लिए लगातार अग्रसर नजर आ रहे पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा, इसी दौरान चुनाव प्रचार के लिए कामी गांव पहुंचे हुए थे। और वहीं आपको बता दें कि सीढ़ियां उतरते वक्त पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा को चोट लग गई। हालांकि डॉक्टर के चेकअप के बाद डॉक्टर ने उन्हें 10 से 15 दिन के आराम करने की सलाह दी है। तो कामी गांव में चुनाव प्रचार कर रहे थे कुलदीप शर्मा, पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा चोटिल हुए हैं। गन्नौर से इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव प्रचार के दौरान चोटिल हुए कुलदीप शर्मा।